अगर किसी सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी है तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, आपको उसको बाहर निकालना चाहिए। इसमें इजम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही एक वचन तो इज आएगा और लिव में आपको आईएनजी जोड़नी चाहिए, शुद्ध वाक्य बनेगा। ही इज लिविंग इन दिल्ली दीस डेज, इन दिनों वह दिल्ली में रह रहा है। तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस में कैसा अरेंजमेंट है। सेंटेंस में कैसी गतिविधि, स्थायी गतिविधि है तो प्रेजेंट सिंपल, और अगर अस्थायी गतिविधि है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये वाली बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं, लता यूजुअली सिंग इन हिंदी। सेंटेंस, लता यूजुअली सिंग इन हिंदी, बट आ गया, बट शी सिंग इन तमिल टूडे, बट शी सिंग इन तमिल टूडे। गौर से देखो सेंटेंस क्या लिखा है, लता यूजुअली सिंग इन हिंदी, लता आमतौर पर हिंदी में गाती है, बट शी, आगे दिया आपको ब्लैंक, सिंग इन तमिल टूडे, परंतु आज वह तमिल में। क्या होगा, आपने क्या देखा यहां पर, एक शब्द आ रहा यूजुअली, यूजुअली नेवर ऑलवेज ऑफन, यूजुअली नेवर ऑलवेज ऑफन, अकेजनली अकेजनली। तो इस तरीके के जो शब्दांश आते हैं एवरीडे डेली, ये बताते हैं हमको किसी काम के बार बार रिपीट होने की बात, ये किसी एक्शन को बार बार रिपीट होने का बोध कराते हैं हमें। यहां पर यूजुअली आ रहा है, लता यूजुअली यानी लता आमतौर पर।